हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी मसाला की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस भिंडी मसाले की तीन स्पेशलिटी है। पहली, ये बिना प्याज और बिना लहसुन के बनी है। दूसरी, ये बहुत ही टेंगी है। और तीसरी, हमने इसमें एक सीक्रेट मसाले का यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी हमने इस वीडियो में शेयर की है। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गरम पैन में लेंगे एक छोटा चम्मच तेल, फिर डालेंगे डेढ़ छोटा चम्मच चना दाल, एक छोटा चम्मच उड़द दाल, और अब हम दाल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 सूखे लाल मिर्च, और उनको भी हम दाल के साथ अच्छे से कुछ टाइम के लिए रोस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम एक अलग प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। अगले स्टेप में हम उसी पैन में लेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच मेथी के दाने, एक छोटा चम्मच तिल, और हम इनको कुछ टाइम के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 कप किसा हुआ नारियल, और हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अगर आप चाहे तो ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप और भी कई तरह के नो ऑनियन और नो गार्लिक रेसिपीज को जानना चाहते हैं, तो हमने कुछ वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें भी चेकआउट जरूर करें। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। याद रखें, जब आप हींग को डालेंगे तब आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। और अब हम उनको अच्छे से मिला लेंगे, और इनको भी हम अलग से निकाल कर रख देंगे। फिर हम भुने हुए मिक्सचर को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा मसाला पाउडर अब रेडी हो गया है। इसे कम से कम 15 दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। हम इस मसाले को इस रेसिपी में यूज तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप इस पाउडर को किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक गर्म पैन में डालेंगे 4 छोटे चम्मच तेल, 2 से 3 कटी हुई सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 8 से 10 करी पत्ते, और करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ग्राम भिंडी, जिसको हमने अच्छे से धोकर सुखाया है, और उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है, और फिर इसे कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प। तो पल्प बनाने के लिए हमने इमली को पानी में कुछ टाइम के लिए भिगो के रखा था। फिर इसको अच्छे से मैश करके भिंडी के अंदर ऐड कर देंगे, और इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गुड़। गुड़ और इमली का पल्प इस डिश को एक खट्टा मीठा फ्लेवर देगा। अब हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक। दोस्तों, अगर आप किचन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हो, तो हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चेकआउट जरूर करना। ये वीडियोस आपके बहुत ही काम आएगी और आपके डेली किचन की लाइफ को आसान कर देगी। अगले स्टेप में हम लीड को बंद करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसको क्विकली एक बार स्टिर करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तैयार किया हुआ मसाला, और करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। कुछ और इंटरेस्टिंग मसालों की रेसिपी के लिए ऊपर आई बटन में दिए हुए लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को चेकआउट जरूर करें। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। आप पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वापिस से हम लीड को बंद करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे और इसे एक बार क्विकली स्टीर करेंगे। फाइनली ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फ्रेश हरा धनिया, और हल्के हाथों से अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म भिंडी मसाला परोसने के लिए तैयार है। आप इसे चावल या रोटी के साथ खाएं। प्याज और लहसुन ना होने की वजह से आप इसे त्योहारों के या फिर उपवास के दिन भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें, और आपकी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, ताकि हमारी अगली सारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप इस रेसिपी के साथ कुछ और भी रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।